नवाज शरीफ की नासाज तबीयत का मामला, महकमा दाखिला ने नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। मेडिकल बोर्ड में माहिरीन अमराज कल्ब और दीगर तिब्बी माहिरीन भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे फारूक बोतला हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, बताइएगा कौन कौन शामिल है नए मेडिकल बोर्ड में? जी, नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनके दिल के अर्ज़े में मुबतला थे। उनकी तबीयत नासाज के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने फैसला किया था कि उनके तिबी मायने के हवाले से नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाए। गुज़श्ता रोज़ ये फैसला किया गया था और महकमा सेहत को इस हवाले से मरा सार किया गया था। महकमा सेहत की सिफारशात पर मुख्तलिफ अमराज कल्ब के माहरीन को इस मेडिकल बोर्ड में शामिल किया गया है। डॉक्टर अब्दुल हमीद सिद्दीकी, डॉक्टर सजाद अहमद मेडिकल बोर्ड में, डॉक्टर हामद शरीफ, डॉक्टर सलाह बिन नज़ीर भी इस मेडिकल बोर्ड में शामिल हैं। डॉक्टर शाहिद हमीद समेत दीगर जो तिबी माहरीन हैं वो इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा हैं, जो कि नवाज शरीफ का मुकम्मल तिबी मुआयना करेंगे। दिल के मुतालिक जो भी उनको आर्जा लाहक है उसके हवाले से रिपोर्ट्स करवाई जाएंगी और रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मजीद भी अगर उनको इलाज मुआवजे की सूरत में उनमें सिफारशात मुरतब की जाएंगी और उसको महकमा दाखिला को इस मेडिकल बोर्ड की जानिब से आगाह किया जाएगा कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स क्या हैं। इस हवाले से तिब्बी मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। शुक्रिया फारूक बोदला।